नमस्ते इंडिया। मुंह में छाले पड़ना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये किसी को भी कभी भी हो सकती है। आमतौर पर गर्मियों के दिनों में मुंह में छाले पड़ना बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाती है, क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ती है जिसके चलते आपके मुंह में छाले पड़ने लग जाते हैं। हालांकि मुंह में छाले पड़ने पर इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ब खुद कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। हाँ, मगर ये दर्द भी बहुत ही ज़्यादा देता है और आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, आमतौर पर मुंह में छाले जो होते हैं वो मसूड़ों में हो सकते हैं, गाल के अंदर की तरफ हो सकते हैं, जीभ में भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि होठों के आसपास के एरिया में भी आपको छाले पड़ सकते हैं। तो अगर आप इस दर्द से राहत पाना चाहते हो, अपने छाले को जल्दी से ठीक करना चाहते हो, तो आप अपनी दादी नानी के नुस्खे अपना सकते हो। ये नुस्खे क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओरल हाइजीन के लिए, यानी कि मुंह की सफाई रखने के लिए, मुंह में कोई भी दिक्कत होती है तो ऐसे में गुनगुने पानी का आपको सहारा लेना चाहिए। नमक वाले गुनगुने पानी करने से आपके मुँह में आपकी जो सफाई हो जाती है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और साथ ही में आपको दर्द से भी राहत मिलती है। तो इसी तरह आप जब मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो आप गुनगुने पानी में एक चम्मच नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स करके इससे आपको कुल्ले कर लेने हैं। दिन में एटलीस्ट दो बार आपको गरम पानी, नमक वाले गुनगुने पानी से आपको कुल्ले ज़रूर करने हैं। इससे आपके जो छाले हैं उसमें काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी, दर्द भी कम हो जाएगा और छालों को जल्दी से ठीक होने में मदद मिलेगी। दरअसल इस पानी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि आपके मुंह में जो भी गंदे बैक्टीरिया होंगे और जो कि ये सारी दिक्कतें पैदा करता है, वो सारे बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं और साथ ही में आपको सूजन में भी राहत मिलती है। इसके अलावा आप शहद भी लगा सकते हो। शहद बहुत ही अच्छा होता है, इसमें भी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो शहद लगाने से खासतौर पर जो खुले घाव होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुँह में छाले पड़ गए तो ही आप शहद लगा सकते हो। किसी भी जगह पर अगर आपको स्किन में आपको बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई है, या तो फिर कुछ खरोच आ गई है और घाव पूरी तरह से खुला हुआ है, तो ऐसे में शहद भी लगाया जा सकता है। दरअसल शहद खुले घाव को जल्दी से ठीक करने में मदद करता है। तो इसी तरह अगर आप अपने छालों को जल्दी से ठीक करना चाहते हो तो आप दिन में कुछ टाइम में शहद लगा सकते हो। आप कितनी भी बार शहद लगा सकते हो और थोड़ी देर में आपको शहद उसके ऊपर लगाते जाना है। इसके अलावा लौंग दांतों के लिए कितना अच्छा होता है, ये सभी हम जानते हैं। बहुत सारे अलग अलग ओरल हाइजीन के प्रोडक्ट्स में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छे गुण होते हैं जो कि आपके दांतों की, आपके मसूड़ों की रक्षा करता है। ठीक इसी तरह आप छालों के ऊपर भी लौंग का तेल आप सीधा लगा सकते हो। लौंग का तेल लगाने से आपके छाले बहुत ही जल्दी से ठीक होने लग जाएंगे और आपको दर्द भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप जब लौंग का तेल आप सीधा छालों पर लगाइए, कुछ देर उसको रहने दीजिए, फिर आप गर्म पानी से, यानी कि थोड़ा से हल्के गर्म पानी से आपको अपना मुंह साफ कर लेना है। इसी तरह नारियल का तेल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नारियल तेल को भी ओरल हाइजीन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो आप रात को सोते समय आप अपने छालों पर नारियल का तेल लगा कर सो जाइए, फिर सुबह में आपको साफ पानी से अपने मुँह को धो लेना है। इससे भी आपके जो छाले हैं वो बहुत ही जल्दी से बेहतरीन तरीके से ठीक होने लग जाएंगे। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है तो भी आपको मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो इस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी वाले फूड्स खाने हैं, जैसे कि ऑरेंजेस है, फिर जो भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, नींबू है। तो ये सारी चीज़ें को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करना है। ख़ास तौर पर आपको ऑरेंज ज़रूर खाना है। ऑरेंज में बहुत ही बढ़िया मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि आपकी डेली विटामिन सी की कमी को आप पूरा कर सकते हो। तो छाले होने पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा संतरे खाने हैं, ऑरेंजेस खाने हैं। अगर आप नहीं खा पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप संतरे का जूस भी पी सकते हो। दिन में एटलीस्ट दो बार आपको संतरे का जूस पीना है। इससे आपके छाले बहुत ही जल्दी से ठीक होने लग जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।